करते हैं आतिशबाजी। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ क्योंकि तुम आतिशबाजी देखने जो नहीं आ पाए। अच्छा, क्या मजेदार आतिशबाजी थी मेरी, तुम नहीं देख पाए ना? वो आतिशबाजी तुमने की थी। और नहीं तो क्या, तुम तो हमारी फैमिली को जानते ही हो, हमने दुनिया भर से बेहतरीन आतिशबाजी मंगवाई थी। ये बेहतरीन आतिशबाजी मिस्टर सुनियो की ओर से। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह खुशियों की लहर दौड़ गई हो। वो अच्छा, तो इतनी सारी आतिशबाजी थी। खैर, तुम ऐसा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। ओके बाय, चलता हूँ। क्या सुनियो यहाँ पर दिखावा करने आया था? हा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत हो जाओ वरना तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सुनियो, अरे ये क्या, तुम्हारा टेम्परेचर तो नीचे चला गया। ओह हाँ, आतिशबाजी को लेकर मेरे पास एक आइडिया है। तुम आतिशबाजी के बीज बना सकते हो। आतिशबाजी के बीज? हाँ, जो भी तुमको आतिशबाजी के अंदर देखना है वो तुम इस पर ड्रॉ करो। देखो इस तरह से, कुछ ऐसे। लो ये बन गई। ये क्या है? ये शिजुका है। अच्छा ठीक है, चलो इसको अंदर डालते हैं। ऐसे? तो ये देखने के लिए कि बीज कितना बड़ा हो एक बात करके देखते हैं। इसका डायमीटर हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं और नोबिता के लिए 2 सेंटीमीटर। चलो अभी इसे ऑन करते हैं। ये तो बाहर आ गया, पर ये कोई पटाखा नहीं दिखता। ये बीज है, चलो इसे लेकर चलते हैं नोबिता। तो चलो अब इसे ढक देते हैं इस तरह से। आप इस बाजी के फूल उगाने में मददगार। और फिर इसमें ढेर सारा पानी। चलो अब बड़े हो जाओ। ये बाहर कब आएगा? देखो ये उग रहा है। अरे मेरा भी उगाया। ये कितना मजेदार है। ओह देखो कली निकल आई। अब ये खिलने को तैयार है। अभी ये कितना सुंदर है। हाँ नोबिता, अब तुम्हारा फूल खिलकर बाहर आने वाला है। डोरेमोन, मैं इसे शिजुका को दिखाना चाहता हूँ। गुड आइडिया। हाँ, क्या मेरा चेहरा? ये अब ऊपर जाएगा। मैंने कहा था ना कि सुंदर आतिशबाजी दिखाई देगी। हाँ लेकिन शिजुका, क्या तुम भी हमारे साथ आतिशबाजी बनाना चाहती हो? हाँ, क्या मैं भी बना सकती हूँ? क्यों नहीं? अरे ये तो मजेदार लग रहा है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब तो हम मिलकर खूब सारी आतिशबाजी बनाकर साथ में इसे चलाएंगे, क्यों दोस्तों? ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम स्कूल के सभी बच्चों को पेरेंट्स के साथ बुलाते हैं और साथ मिलकर आतिशबाजी चलाते हैं। सुनो दोस्तों, हम जो भी बना रहे हैं वो एक दूसरे को ना दिखाते हुए बनाए तो ये और भी मजेदार हो जाएगा। ठीक है। मेरा मास्टरपीस पूरा हुआ। मैं दोबारा पॉपुलर हो जाऊंगा। वैसे मैंने भी बहुत अच्छा बनाया है। जब तुम्हारी ड्राइंग पूरी हो जाए तो इसमें डाल देना। ठीक है। ठीक है, हो गया, पूरा हुआ। नोबिता, मैं तुम्हारी पिक्चर बुक ले रही हूँ, इसमें से देखकर क्या बना सकती हूँ? ये कहाँ से आ गया? क्या कहाँ से आया? नहीं कुछ भी तो नहीं। वो सबकी ड्राइंग है मॉम। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए केक। वाह थैंक यू मॉम। अच्छा वो बच गया। पिक्चर्स इकट्ठी हो गई, अब मैं आतिशबाजी का बीज बना रहा हूँ। तुम्हें अचानक क्या हुआ नोबिता? कुछ भी तो नहीं। मेरा पेपर वापस करो जो तुमने अभी इसमें डाला है, मुझे उसमें कुछ बदलाव करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता, एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं इनका आकार एक जैसा रखता हूँ और इनका निर्धारित समय भी।
शुरू करो। ऐसे तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर तुम फ्री हो तो प्लीज इन बीजों को इसमें डालने में मदद करो ना। हाँ, हमारी मदद करो नोबिता। हाँ, करता हूँ। कौन सा है जैसे मेरे मार्क वाला पेपर? कौन सा है? ऐसे पता नहीं चल सकता। देखो, हम और आतिशबाजी के बीज ले आए। अब तो पहचानना और भी मुश्किल है। तुम तो बहुत अच्छी तरह से पानी दे रहे हो। क्यों नहीं दूंगा, इतनी मेहनत जो की है मैंने। अब हमारा काम पूरा हुआ। तो ये कब तक तैयार हो जाएंगे? लगता है कल रात तक हो ही जाएंगे। मैं इस कैंची से सबको काट देता हूँ। माफ करना दोस्तों। तुम ये क्या कर रहे हो? शिज़ुका, वो मैं आसपास उगी घास को काट रहा हूँ। सच में वैसी चिंता तो मुझे भी हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। और देखो मैं क्या लाया हूँ, इससे उगने में मदद होगी। शायद इसमें है। अरे वाह, इसकी मदद से मैं देख पा रहा हूँ। कहाँ हो सकता है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। वो पेपर कहाँ हो सकता है? लगता है मुझे जीरो मार्क वाला टेस्ट पेपर मिल गया है। अरे वाह, आखिरकार मिल गया। नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जी यार, यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, मैं उन्हीं को भगा रहा हूँ। क्या सच में? मुझे भी चिंता हो रही थी। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब तो मुझे सिर्फ बारिश ही बचा सकती है। अरे वाह, देखो इसमें से कलियाँ भी निकल आई हैं। हमारी मेहनत सफल हो जाए। इनमें से कुछ फूल मुरझा गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अरे हाँ, ये तो मुरझा गए हैं। काश मेरा जीरो मार्क टेस्ट वाला फ्लावर मुरझाया हो। अरे नहीं, तो इसका मतलब सभी फूलों का खिलना मुश्किल है। पर अभी इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो ठीक है। आज रात को 8 बजे आतिशबाजी का प्रदर्शन करेंगे हम सब। तब तो हमें अपने दोस्तों को भी बुला लेना चाहिए। आइए आइए, आतिशबाजी का प्रदर्शन शुरू होने वाला है। ये बहुत मजेदार होने वाला है। एक अद्भुत अनोखा नजारा। देवियों और सज्जनों, आतिशबाजी प्रदर्शन में आपका स्वागत है। कृपया करके आनंद उठाइए इस आतिशबाजी का। ये तो सचमुच बहुत सुंदर है। और मेरा मतलब फ्रांस का आईफेल तो अलग ही दिख रहा है। और मेरे राइस बॉल थी, जंपलिंग और स्वीट थी। इतना खूबसूरत नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे वाह, ये तो वाकई शानदार दिख रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना खूबसूरत होगा। मैं बातें कर सकता जो फूलों पेड़ों से, कितने खुशी मिलती मुझे। या उड़ सकता जो नीले आसमां में, तो मैं सारी दुनिया यूं ही घूमता। उड़ते बादल में खोलो रश्मि था और फिर उसे रुक जाओ अपना गैजेट। ये किसने बनाया? शिज़ुका ने। बहुत अच्छे शिज़ुका। किसी दिन सपना पूरी दुनिया में गूंजेगा। याद रखना कैसा है डोरेमोन। किसी दिन सपना पूरी दुनिया। तुमने तो कमाल ही कर दिया।
बार बार बच गया, मेरे जीरो मार्क वाला पेपर शायद मुरझा गया है। अरे एक फूल अभी भी बचा है। अब बहुत मजा हो गया। अरे ये तो आज का मास्टरपीस है। नोबिता ये सब क्या है? मां मुझे गलती से जीरो मार्क्स मिले हैं। नोबिता क्लोन हैमर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। तुम क्या कर रहे हो? मुझे आज बहुत सारा होमवर्क है, तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। शिज़ुका ने मुझे अपने घर बुलाया है डोरेमोन, और मैं जाना भी चाहता हूँ। तो अगर मेरा राइट हैंड जीतता है तो मैं होमवर्क करूँगा, और अगर लेफ्ट हैंड जीता तो मैं शिज़ुका के घर जाऊँगा। ये क्या, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अपना होमवर्क करना चाहते हो। मेरे पास है, मैं होमवर्क करना चाहता हूँ। मैं शिज़ुका के साथ खेलना चाहता हूँ। जब तुम्हारा दिल दो भागों में बंट जाता है तो बेहतर है बॉडी को भी दो भागों में बांटो। डोरेमोन ये तो मेरे जैसा है, पर इसका रंग थोड़ा हल्का है। ये नोबिता होमवर्क करना चाहता है, और दूसरे नोबिता को होमवर्क से थोड़ी सी एलर्जी है। ठीक है, मैं होमवर्क करता हूँ। अरे जरा रुको ना, क्या हुआ? मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो अलग हो गया हूँ। क्या मैं फिर एक हो पाऊँगा? फिक्र मत करो, जब तुम्हें एक ना चाहो तो इसकी मदद से देखो हिट करो, हो जाएगा। ये तो लौट आया, देखा? ठीक है, मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, मजा आ रहा है। मैं चला होमवर्क करने। अरे बैग तो लेते जाओ। इसे देखकर तो लगता है इसे बस होमवर्क करना है। इसे देखकर तो मुझे काफी राहत मिली है, मैं बहुत खुश हूँ डोरेमोन। ठीक है, अब मैं शिज़ुका के घर जाऊँगा। तुम भी चलोगे डोरेमोन? क्यों नहीं, तो फिर चलो। मैं घर आ गया मॉम। हाँ? नोबिता, कहीं भी बाहर जाने से पहले तुम आज पढ़ाई करोगे। ये तो पढ़ ही रहा है। मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे माफ करना। वो नया बोर्ड गेम खरीद कर लाई है। नोबिता, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो ना, हमारे साथ खेलो ना। लेकिन तो तुम हमें मना करना चाहते हो? ऐसा है क्या? वो दरअसल मैं अभी जा रहा हूँ। नोबिता जरा इधर आओ। देखो, तुम्हारे अंदर बेसबॉल खेलने की इच्छा है। वैसे मुझे बेसबॉल खेलना पसंद है डोरेमोन। हाँ, हमारे पास ये है, इससे काम बन जाएगा। अरे हाँ, क्या तुम तैयार हो? अरे ये बाहर नहीं आया। तुम सच में जाना चाहते हो ना? हे, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो, नहीं तो मैच शुरू हो जाएगा। हम आ रहे हैं, दोबारा करता हूँ मैं। वो आ गया। जोर से मत मारो। माफ करना नोबिता। नोबिता जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं अभी आया जियान। चलो खेले। ये क्या? नोबिता, तुम्हारा रंग पहले से फीका क्यों लग रहा है? ये तो तुम्हारा वहम है, चलो खेलने चलते हैं। आज का बेसबॉल मैच तो हम ही जीतेंगे। बहुत बढ़िया, चलो चलकर शिज़ुका के घर खेलते हैं। हाय शिज़ुका। अरे नोबिता, तुम सही वक्त पे आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियाँ लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करो। ये तो मुश्किल हो गई। लेकिन मुझे तो शिज़ुका के साथ खेलना था। आइडिया, मैं जा रही हूँ। अरे शिज़ुका रुको। हाँ? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। डोरेमोन ये लो। हाँ, दो दो
ये वाला नोबिता तुम्हारे लिए मार्केट से सब्जियां लाएगा और हम खेलेंगे। पर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? फिक्र मत करो शिजुका, ये तो खुद ही चाहता है तुम्हारे लिए सब्जियां खरीद कर लाए। लेकिन मैं अभी आया। लेकिन क्या लाना है? गोभी और गाजर। अच्छा ठीक है, गोभी और गाजर, मैं जा रहा हूँ। ये तो दो तरह के गेम है। दोनों ही गेम मजेदार लग रहे हैं। हाँ, पर पहला कौन सा वाला खेले? अरे हाँ, डोरेमोन, अगर हमें दो चीजें एक साथ करनी हो तो क्लोन हैमर। लो इसका इस्तेमाल करके देखो शिजुका। क्या इस तरह से? चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो अब क्या करूं? हाँ, मैं और आगे जा सकता हूँ। अरे वाह। अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर मैं कोशिश करूंगा। बॉल आ रही है नोबिता। ठीक है, मैं पकड़ लूंगा। होमरन! ये क्या किया तुमने? चलो बॉल को पकड़ो। क्या तुम तैयार हो? स्टार्ट। आज ये बंद रहेगी। शिजुका, शिजुका, अब तुम्हारी बारी है। माफ करना शिजुका। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? नोबिता क्या कर रहा होगा? फिलहाल तो मैं हार रहा हूँ, पर मैं जल्द ही जीत जाऊंगा। मैं तुम्हारी बात नहीं करी, मैं उसकी बात करी हूँ जो सब्जी लेने गया है। उसे काफी देर हो गई। तुमने सही कहा, उसे थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन रास्ते में अगर उसकी आंख लग गई होगी तो। और ये भी हो सकता है कि वो लापरवाह है, इसलिए गलती से उसने गोभी की बजाय बैंगन ले लिया हो तो, उसे वापस करने गया हो तो। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लापरवाह हूँ। क्या कहा, लापरवाह? छोड़ो, जाने दो शिजुका, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चलो खेलते हैं। मुझे फिर से एक बना दो। अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे और थोड़ी देर खेलना था। मैं आ गया। वो आ गया। नोबिता, इतनी देर कैसे लगी? सब्जियों की दुकान बंद थी, इसलिए मैं बगल वाली टाउन चला गया। दुकान बंद थी तो क्या तुम सब्जियां लेने दूसरे टाउन चले गए? तुमने काफी मेहनत की है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए था। शिजुका तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए वो ढंग से खेल नहीं पाई। और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने बहुत मेहनत की। चलो अंदर आओ, तुम्हें प्यास लगी होगी ना? क्या तुम जूस पीना चाहोगे? पता है मैंने कुकीज भी बनाई है, खाओगे ना? आखिर हो क्या रहा है, वो भी नोबिता है और ये भी नोबिता, मतलब तो मैं ही हूँ ना। वो इतनी दूर जाकर सब्जियाँ लेकर आया, ये तो मैं भी कर सकता था ना। ठीक है, लेकिन वो नोबिता काफी मेहनती था, समझे? बात तो सही है पर अरे वो तो तुम्हारा क्लोन है नोबिता। वो वहाँ पर है नोबिता। हेलो जियान, तुम्हारी वजह से हम हार गए नोबिता। पर मैंने क्या किया? नहीं, अब कंट्रोल नहीं होता, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूं?
माफ करना मॉम। ध्यान से। ठीक है। नोबिता, मुझे माफ करना मॉम, मेरा ध्यान नहीं था। अभी तो मैंने तुम्हें बताया था ना। आगे से ध्यान रखूंगा। दोबारा ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी। घर लौटने में काफी देर हो गई डोरेमोन। मॉम की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है डोरेमोन। तुम्हारे गैजेट हमेशा मुझे मुसीबत में डालते हैं। मुझे नहीं लगता ये मेरे गैजेट की वजह से हुआ। काफी मेहनत कर रहा है। मेहनत तो तुम भी करना चाहते हो नोबिता, लेकिन अपने आलसी स्वभाव के कारण तुम सुस्त हो जाते हो। तुमने काफी मेहनत की है। थैंक यू। बाकी का होमवर्क मैं खुद ही कर लूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।